चलो फिर मैं ना क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसी से रिलेटेड ही है, कोई अलग से नहीं है, कि द टिपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, या एशिया में है वो, ये बताओ कहाँ पे सर है। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है अर्जेंटाइना, जहां पे पैम्पस आपको रीजन नजर आता है। इसका आंसर पता क्या है? अमेरिका इसका आंसर फर्स्ट है, तो ये देखो ये है इसका आंसर फर्स्ट, साउथ अमेरिका। ओके ओके। नंबर टू, द माउंटेन रेंज इज दैट बॉर्डर द वेस्टर्न साइड ऑफ अर्जेंटाइना आर, जो वेस्टर्न साइड एंड्स की जो उसकी एंड्स एंडस, एंडस है बेटा, हिमालय तो वहां पर है ही नहीं, तो वहां पर एंडस माउंटेन्स हैं जो उसकी वेस्टर्न साइड में पड़ती है बॉर्डर के। इसकी कैपिटल कौन सी ओके। बेटा, कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटाइना इज, इसकी कैपिटल कौन सी है? सेंटियागो है, कोर्डोबा है, या ब्यूनस एरिस सर ब्यूनस आयर्स। सर है? हाँ ब्यूनस एरिस है, इसकी कैपिटल है जो। ब्यूनस आयर्स। हाँ सही बात है, इसकी कैपिटल ही है। इसके बाद है, अब इसके ना फिल इन द ब्लैंक्स है। वो भी करने हैं, यस एक मिनट जरा ना इसका देख लो, इसमें तो है नहीं, वो एक रह गया पे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ आपको, आपसे पूछूंगा बताऊंगा थोड़ी, आपने तो पढ़े हुए हैं। द डैश आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ रेशिया, द डैश आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया, क्या यूरेशिया का ग्रासलैंड कौन सा है बेटा? स्टेप्स स्टेप फर्स्ट स्टेपी स्टेप्स स्टेप्स, हाँ यूरेशियन स्टेप्स है। अब आगे देखो नंबर टू, द डैश आर द कूल विंड्स दैट ब्लो ओवर द पैम्पस, कौन सी हवा है जो उसके ऊपर से रहती है, पैम्पस के ऊपर से, कौन सर सी? पैरों सर पैरों नोज, पैम्पेरो, सर पैम्पेरो। पैरों ठीक है, चलो आगे ना, पैरों पेम्पेरो है जो ब्लो करती है कूल विंड ओवर द पैंपस। नहीं रोटी बिल्डिंग तोड़ के सकती है। खाला अब आगे रेडी करते हैं खाला पाकिस्तान बेटा, किसी घर से आवाज आ रही है, सर स्पेन एंड पहुंच इटली गए दिले ही होना दियो चलो बेटा, आवाज आ मेरी पे रही दियो ही लगी हूं है। चले चेक फोन अंदर फॉरेस्ट ऑफ द मोस्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ टुडे हैव कम दो या फिर फ्रॉम, बाग जी एंड मुझे ये बताओ जो अर्जेंटीना के पूर्वज है वो कहाँ से आए थे, किन देशों से आए थे वो यहाँ पे? स्पेन एंड इटली से आए हैं लोग, और कुछ लोग मिडिल यूरोप से भी आए। इटली हाँ स्पेन और इटली से। हाँ अब आगे है जी नंबर फोर, डैश आर द रेजिडेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिका पैंपस, डैश आर द रेजिडेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिका पैंपस, कौन है ये?
सर गुचोस हाँ वो चोस चोस। जो रेजिडेंट है जी साउथ अमेरिकन पैम्पस के, ये वहां के बस एक रेजिडेंट है, वो यहाँ पे रहते हैं। चलो और मैच द कॉलम किए हुए हैं सही है। आप लगाओगे डॉग्स सर ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया और वेल्स का ऑस्ट्रेलिया प्रेरीज का तीन का नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ यूरेशिया स्टेपेस यूरेशिया और पैम्पस आएगा यूएस पैम्पस आएगा साउथ अमेरिका अमेरिका। क्वेश्चन आंसर आपने किए ही होंगे इसके बेटा, किए हैं? यस सर यस सर। चलो कोई बात नहीं, उसको फिर हम कभी देखेंगे टेस्ट वेस्ट उसका। ये ना चैप्टर नंबर टू है द पोलर रीजन। पोलर रीजन बेटा दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आज, जितना भी होता है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है? जितना भी होगा ओके। तो कौन सा बच्चा है जो रीड करे? रम करें रम करें हाँ कर दो, कोई कर लो। Chapter number 2, the polar reason. The reason lies behind 66 half latitude in the southern and northern hemispheres up to the polar are called polarism. They are called decreases. They comprise of Europe, grassland, northernmost part of North America, and a few places in the northern hemisphere. The polar regions are further divided into two climate regions. They are the tundra, which support vegetation in summer, alone, and ice caps, which are permanently covered with ice throughout. Okay, बेटा, रुको आप, यहीं तक रुको, मैं पढ़ता हूँ। Chapter 2 है the polar region. Region means रहता होता है area. Pole means ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव, ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसको बोलते हैं। बेटा किसी घर से ना सॉन्ग गानों की आवाज आ रही, फिर हम चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे। द रीजन्स लाइंग बिटवीन 66 एंड हाफ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन। उसने ये बोला है 66 डिग्री लैटिट्यूड जो नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इसको हम बोलते हैं पोल्स या पोलर रीजन। इसको पोलर रीजन बोला जाता है, पोलर एरिया। दे आर कॉल्ड डेजर्ट्स, ये ठंडे रेगिस्तान है, यहाँ पे रेत नहीं होती। डेजर्ट में वैसे ना रेत होती है, लेकिन यहाँ पे रेत नहीं होती, ये कोल्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसलें बहुत कम होती ना के बराबर ही है। दे कंप्राइज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फ्यू प्लेसेस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर।
इसमें क्या आता है? तो इसके अंदर उत्तरी यूरोप आता है, साइबेरिया आता है, ग्रीनलैंड आता है, और नॉर्थ नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का आता है, एंड अ फ्यू प्लेसेस इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और कुछ हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर का भी आता है। द पोलर रीजन आर फर्दर डिवाइड इनटू टू क्लाइमेटिक रीजन, जो पोलर रीजन है उसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर टुंड्रा विच स्पोर्ट्स वेजिटेशन इन समर अलोन, एक टुंड्रा है जिसमें वेजिटेशन होती है गर्मियों में, वनस्पति। आइस कैप्स आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर, और एक पार्ट है कि जहां पर पूरा साल परमानेंट बर्फ पड़ी रहती है, पूरा साल बर्फ ढका रहता ही है। बेटा आगे पढ़ना, दूसरा बच्चा फिर हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़ दो। Almost all the region are located in the northern hemisphere with some small tundra like areas in Antarctica in the southern hemisphere. The most distinctive feature of the tundra is a permafrost, a layer of gentle soil. The major tundra region of the world are North America, North Alaska, Canada, Greenland, Northern Europe, Scandinavian countries of Norway, Sweden, Finland, and Iceland, Northern Asia, and Siberia of Northern Russia. मैं पढ़ता हूँ बेटा इसको आगे। उसने आगे बोला है, almost all tundra regions are located in the northern hemisphere with some small tundra like in Antarctica in the southern hemisphere. उसने ये बोला है कि जो सारा tundra region है ना, वो located किस में है जी? Northern hemisphere के अंदर। और कुछ small tundra like areas वो Antarctica में भी है और southern hemisphere में भी है। The most distinctive features of the tundra is permafrost है जी, permafrost, a layer of permanently frozen subsoil। इसकी एक खासियत बेटा ये है कि जो permafrost है, इसकी एक मोटी परत किसकी है जी? सोइल की बन चुकी है उसकी, वो है बर्फ की एक मोटी परत बन चुकी है इस एरिया में। The major tundra regions of the world are, जो major tundra region है पूरे वर्ल्ड में, वो उनके नाम बताए गए हैं। North America आता है, Northern Alaska है, Canada भी है, Greenland है, Northern Europe है, Scandinavian countries है, Norway है, Sweden है, Finland है, Iceland है, Northern Asia and Siberia of Northern Russia भी आता है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो मैप, इसको देखो ध्यान से, इसमें मेजर टुंड्रा रीजंस दिए गए हैं। जो आपको पर्पल कलर नजर आता ना बेटा, पर्पल कलर, वो सारे का सारा टुंड्रा रीजन है, सारे का सारा टुंड्रा रीजन। और एंड आइस कैप्स, बर्फ से ढका हुआ सारा एरिया। बेटा इसका क्लाइमेट पढ़ना, दूसरा बच्चा हम पढ़े। हाँ जी, climate. Winter and summer are the main seasons in the tundra region. Spring and autumn are very short to produce between winter and summer. The tundra is the world's coldest and driest region with an extremely low annual temperature. Month in winter, the temperature drops down further. Winters carry on for about 9 months
with the sun not seen at all and the night lasting for a the moon and other heavenly bodies can be seen throughout the season. Very cold winds blow violently in winters and brings heavy snowfalls. These snowstorms are called blizzard and they form thick layers of ice. ठीक है बेटा, ओके ओके स्टॉप, मैं पढ़ता हूँ आगे इसके लिए आपके लिए। अब इसका ना क्लाइमेट कैसा है वो पढ़ते हैं। विंटर एंड समर आर द मेन सीजन्स इन द टुंड्रा रीजन। इसमें बेटा दो मेन सीजन होते हैं, समर और विंटर। टुंड्रा रीजन में स्प्रिंग एंड ऑटम आर वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर जो बसंत ऋतु होती है और पतझड़ दोनों शॉर्ट टाइम के लिए होती है। बिटवीन विंटर एंड समर, ये आती है समर और विंटर के बीच में। द टुंड्रा इज द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन विद एन एक्सट्रीमली लो एनुअल टेम्परेचर। जो टुंड्रा रीजन है वर्ल्ड में सबसे ठंडा सबसे सूखा एरिया माना जाता है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। ड्यूरिंग सम मंथ्स इन विंटर, कुछ महीने है जो विंटर के, द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन फर्दर। इसमें जो टेम्परेचर बेटा -20-40 पे चला जाता है। यहाँ पर सर्दियों में जो टेम्परेचर है -40 degrees तक चला जाता है। और यहाँ पर एक पिक्चर देखो, ब्लिजर्ड स्नो स्टॉर्म है। देखो कितना बर्फीला तूफान चल रहा है एक पिक्चर में। लोग यहाँ वहां पे घूम रहे हैं, फिर भी इस एरिया के अंदर लोग रहते हैं ना। विंटर्स कैरी ऑन फॉर अबाउट 9 months विद द सन नॉट सीन एट ऑल एंड नाइट्स लास्टिंग फॉर ए फ्यू वीक्स। उसने बोला है यहाँ पर जो सर्दियां होती है वो 9 महीने लंबी होती है। 9 महीने लंबी सर्दी, इंडिया में क्या सिर्फ 3 महीने ही ठंड पड़ती है, बाकी तो गर्मी रहती है अपने यहाँ पर। लेकिन इस एरिया में जो सर्दियां हैं वो 9 महीने तक रहती है। और सूरज भी यहाँ पर आपको बहुत कम दिखाई देता है, नॉट सीन एट ऑल एंड द नाइट्स लास्टिंग फॉर ए फ्यू वीक्स। द मून्स एंड अदर हेवनली बॉडीज कैन बी सीन थ्रूआउट द सीजन। आपको सूरज नजर नहीं आएगा यहाँ पर, आपको चंद्रमा हमेशा नजर आएगा। चंद्रमा या दूसरे तारे नजर आते हैं आपको, वो अक्सर नजर आएंगे आपको पूरा सीजन ही। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो वोलेंटली इन विंटर एंड ब्रिंग कंटिन्यूस हैवी स्नोफॉल। यहाँ पर क्या होता है बेटा, लगातार ठंड बढ़ती रहती है, हवाएं चलती है ठंडी, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्नोफॉल भी पड़ता रहता है। दीज स्नो स्टॉर्म्स आर कॉल्ड ब्लिजर्ड्स। इस जो तूफान आते हैं बर्फ के, उसको हम ब्लिजर्ड्स बोलते हैं। एंड दे फ्रॉम थिक लेयर्स ऑफ आइस, और ये बर्फ के पतली पतली लेयर्स होती हैं। इसकी मैं पढ़ता हूँ आगे। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 hours a day। यहाँ पे 24 घंटे गर्मियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको गर्मियों में 24 घंटे सूरज नजर आता है। इट्स हार्डली सेट ड्यूरिंग द सीजन, और बड़ी मुश्किल से डूबता है ये। अपने तो यहाँ पे सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है, लेकिन इस एरिया में सूरज नहीं डूबता, 24 घंटे नजर आता है आपको दिन में। This is why, ये क्यों है? The Arctic region is also called the land of the midnight sun। इस एरिया को हम बोलते हैं, यहाँ पर आधी रात को भी सूरज नजर आता है। समर साल यूजली वार्म, यहाँ पर जो गर्मियां अक्सर गर्म होती हैं, जो समर में विद टेम्परेचर गोइंग अप टू 12 degrees, और यहाँ पर जो टेम्परेचर 12 डिग्री चला जाता है। अमंग द नॉर्थ अमेरिकन स्कैंडिनेवियन एंड रशिया टुंड्रा रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका में
स्कैंडिनेवियन कंट्री में, रशिया रीजन के अंदर, टुंड्रा रीजन में, द स्कैंडिनेवियन टुंड्रा इज वार्मस्ट विद स्कैंटी रेनफॉल। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पर जो गर्मी भी पड़ती है, वहां पर गर्म एरिया है वो काफी, लेकिन यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे बारिश भी होती है। मम्मा मम्मा बेटा उसके बाद पढ़ना है इसकी वेजिटेशन। इसकी वेजिटेशन रीड करनी है बेटा आगे। कौन पढ़ेगा इसके बेटा? ग्लाइब वेजिटेशन कौन रीड करेगा बच्चा? सर सोनू। हाँ जी सोनू जी आप पढ़ो, मैं इसका तब तक सेट करता हूँ। वेजिटेशन पढ़ो बेटा। सोनू पढ़ो बेटा, बुक है तो पढ़ो। बेटा ये पूरा पढ़ दो एनिमल तक। पढ़ो बेटा। सोनू कहाँ चला गया बेटा? हम पढ़े, ये पढ़ा नहीं किसी ने। सर हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो। हम पढ़े सर हम पढ़ो बेटा, वेजिटेशन से रीड करो आप। Vegetation due to the extreme cold climate, poor soil, liquid and frozen land. Vegetation is the roughest and region is limited. The frozen group produces plants with deep roots like trees. From growing, there are barely about 170 different species of plants that grow here. There are mostly grasses, leaves, and grasses. During the short summers, the top layer of soil melts and allows plants to grow and produce small
flowering plants like crops, lilies, buttercups, and vultures. Touring. सर हमारे एक बंदा है वो हमें पढ़ने में दूर है. For a short while, and scat bird under the sheet of ice in winter belongs grow on small parts of the front, but only about 8 centimeter high. कोई बात नहीं, मैं रीड करता हूँ आपके लिए. सर क्लास किसकी है? वेजिटेशन बेटा, अब आगे वेजिटेशन की बात करते हैं. सर वनस्पति की वेदर. मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो प्लीज मुझे. ड्यू टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड है बहुत ज्यादा पड़ती है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है यहाँ पे. पुअर सोइल क्वालिटी एंड फ्रोजन लैंड, यहाँ की जो जमीन है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है. एंड फ्रोजन लैंड है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है. वेजिटेशन इन द आर्कटिक टुंड्रा रीजन इज लिमिटेड, यहाँ पर जो वनस्पति है वो कम होती है. द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट प्लांट्स विद डीप रूट्स, जो फ्रोजन ग्राउंड है बर्फ से ढका हुआ, ये प्लांट्स को डीप रूट तक पहुंचाने में प्रिवेंट करता है. लाइक ट्रीज पेड़ हो गए फ्रॉम ग्रोइंग, बड़े से ये रोकता भी है उनको कई बार. देयर वेयरली अबाउट 1700 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर, यहाँ पे भी 1700 करीब सिर्फ प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, इससे ज्यादा प्रजातियां नहीं है यहाँ पर इस टुंड्रा रीजन में, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की वजह से पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं. दीज आर द मोस्टली श्रब्स सेज मोज़ लिंच एंड ग्रासेस, यहाँ पर ज्यादा अक्सर तक घास होता है, झाड़ियां होती है, बस यही छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ज्यादा नहीं होता. हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. सर आज की डायरी क्या है? चैप्टर खत्म हो गया ये, पहले तो ये बताओ मुझे, मैंने क्लास ओवर कर दी नहीं ना? सर ड्यूरिंग दिस द शॉर्ट समर, यहाँ पे गर्मियां कम होती हैं, इसका शॉर्ट पीरियड होता है. द टॉप लेयर ऑफ सोइल मेल्ट एंड अलाउज प्लांट टू ग्रो, तो बर्फ जब पिघलती है तब यहाँ पे जो प्लांट है वो उगना शुरू होते हैं. एंड रिप्रोड्यूस, दोबारा फिर वो पैदा होते हैं. स्मॉल फ्लोरिंग प्लांट्स लाइक पोपीज, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स भी, जैसे कि पोपीज हो गया, लिलीज हो गया, बटर कॉप्स हो गया, एंड वॉयलेट्स स्प्रिंग अप, ये प्लांट्स फ्लावर्स वहां पे पैदा होते हैं. उसके बाद है आगे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े समय के लिए जीवित रहते हैं. एंड ग्रेट बर्ड अंडर द शीट्स ऑफ आइस इन विंटर, और सर्दियों जब आती है फिर बर्फ की एक चादर में ये बेचारे जो पेड़ पौधे हैं, सॉरी जो फूल हैं, ये सब के सब वहां पे दब जाते हैं. Willows grown on some parts of the tundra, but only about 8 centimeter high. यहाँ पर विल्लो है, ये भी पेड़ है, पौधा है, और कुछ पार्ट में ये उगता जरूर है, लेकिन इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती. लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ आपके लिए. Antarctica is mostly too cold and dry to support any vegetation. Antarctica इतना ठंडा एरिया है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होती. एंड मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय आइस फील्ड्स, और अंटार्कटिका पूरे का पूरा बर्फ से ढका हुआ है. हाउएवर सम पोर्शंस ऑफ द कॉन्टिनेंट मेनली द अंटार्कटिक पेनिनसुला हैव एरियाज ऑफ रॉकी सोइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ, कुछ एरिया है जहाँ पेनिनसुला, जहाँ पर पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी से गिरा हुआ हो, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत चट्टाने हैं, वहाँ पर इस एरिया में थोड़े बहुत प्लांट्स पैदा हो सकते हैं, फूल उग सकते हैं.
तो ये चैप्टर हमने यहीं तक किया, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। डायरी आपकी ओके, आपकी डायरी यही है क्या? रीड दिस चैप्टर केयरफुली, मैं ऐसे डालूंगा आपके ग्रुप में। अब अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। सर ओके चलो ठीक है बेटा, मीटिंग एंड करते हैं, बाय बाय। What is